इंडिया गठबंधन की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुबह करीब 11:30 बजे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर ये घोषणा बड़ी की जा सकती है। आज हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात में गठबंधन चुनाव लड़ सकता है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, क्या वाकई औपचारिक तौर पर आज ये बड़ा ऐलान किया जा सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गठबंधन में मिलकर चुनाव कहां कहां लड़ा जा सकता है, और क्या इस बात की भी संभावना है अनिल कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ें? क्या जानकारी अनिल आपके पास? बिल्कुल मुमताज, इंडी गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है। इंडी गठबंधन की तरफ से आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह तकरीबन 11:30 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी दी गई, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात में इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, इसकी आज औपचारिक तौर पर घोषणा की जा सकती है। हरियाणा के लिहाज से भी बड़ी खबर है, और बड़ी बात यह है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे जो बड़े सूत्र हैं उनकी तरफ से दावा किया गया, और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है मुमताज, आम आदमी पार्टी की तरफ और कांग्रेस की तरफ से जो सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा चल रही थी, इसमें आपकी तरफ से 2 सीटों पर मजबूती से दावा ठोका गया था, और बात यह हुई थी कि कांग्रेस 8 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो ये समझौता है, कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा सकती है। जो सूत्र दावा कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र या सिरसा में से कोई सीट दी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस चाहती थी कि 12 सीट आम आदमी पार्टी को दी जाए, लेकिन जो बातचीत हुई वो सिरसा और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर हुई। अब देखना होगा कि कुरुक्षेत्र या सिरसा लोकसभा सीट में से कौन सी सीट आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, तो एक बड़ी खबर हरियाणा के लिहाज से भी। इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात राज्यों में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज जो इंडी गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि अनिल, कम से कम आज ये लंबा इंतजार तो खत्म हो सकता है कि दरअसल इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में 7 चुनाव लड़ने को लेकर क्या सोचा है, तो कुल मिलाकर काफी हद तक तस्वीर आज साफ हो सकती है अनिल। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तस्वीर काफी हद तक साफ आज हो जाएगी, क्योंकि इंडी गठबंधन की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में यूपी में समझौता हो चुका है, और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिन जिन राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे उनकी आज घोषणा कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जब से बातचीत चल रही है, शुरुआत में आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 सीटें मांगी गई थी जो फिजिबल नहीं थी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा। फिर उसके बाद जो गंभीर चर्चा हुई वो 2 और 8 को लेकर चर्चा शुरू हुई। आपकी तरफ से 2 सीटों पर दावा ठोका गया, कांग्रेस ने कहा कि उनको 2 सीटें बनती नहीं है, तो ऐसे में संभावना यही है कि 1 सीट पर भी समझौता हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी पता है कि हरियाणा में उनके पास उतना बड़ा कैडर नहीं है, और हरियाणा में उनको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी भी है। और ऐसे में अगर बात करें कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस ज्यादा सीटें उनको देगी नहीं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि समझौता किन सीटों पर होगा। कुरुक्षेत्र सिरसा को लेकर जो एक सीरियस जो चर्चा है वो हो चुकी है, हालांकि चर्चा ये भी थी कि कांग्रेस चाहती कि अम्बाला सीट उनको दे दी जाए। देखना है कि समझौता सिरसा सीट पर होगा या कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर होगा, वो आज घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चंडीगढ़ को लेकर भी घोषणा कर दी जाएगी, गोवा और गुजरात को लेकर भी आज बड़ी घोषणा की जा सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर। अनिल, आपसे गुजारिश है, आप बने रहे हमारे साथ, एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम, फिर आपके पास वापसी की जाएगी तमाम अपडेट्स के लिए।